राजस्थान विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भीलवाड़ा जिले में कांग्रेस का अंतर्कलह खुलकर सामने आ गया है। अपनी पार्टी के खिलाफ पूर्व विधायक और पंचायत समिति के प्रधान सहित 100 से अधिक प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा तो यहां तक बोले कि हमें अपना मुंह काला करवाने का शौक नहीं है। कभी सूबे के 2 बार मुख्यमंत्री रहे शिवचरण माथुर की कर्मस्थली मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई अब 16 ग्राम पंचायत के कांग्रेस कार्यकर्ता जिला सीमांकन को लेकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल बैठे हैं। ऐसा उस 16 पंचायतों में लग गया और यहाँ भी लग गया, मानपुरा में भी नहीं 16 में लग गया। सभी में मतलब आप लोग भी आ रहे हो, हम आ रहे हैं उसमें, इसीलिए तो आप से चर्चा कर रहे हैं। हमारा मुंह काला कराने हम नहीं जा सकते वहाँ, इसीलिए त्याग पत्र दे रहे हैं। या तो मुख्यमंत्री जी करो, नहीं करे तो हम दे रहे हैं त्याग पत्र, मना थोड़ी कर रहे हैं। देखो आप मेरे पास, हमारी शालीनता हमारी कमजोरी नहीं है। 4.5 साल में हम जिस तरह से शालीन होकर कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, अगर कोई ये समझ रहा है कि वो हमारी कमजोरी है तो वक्त आने पर बता देंगे कि हम कमजोर है या कैसे है। ये हमारी शालीनता हमारी कमजोरी नहीं समझे, हम जनता के साथ है। टाइम लिमिट ही आचार संहिता तक हो जाएगा, होगा तो ठीक है, नहीं तो हम छोड़ देंगे पार्टी। कह रहे हैं कांग्रेस को हराएगी, नहीं हराने की बात ही नहीं कर रहे हम, तो पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर कांग्रेस में किसी एक मुद्दे को लेके अगर एक विधानसभा ही नहीं, इसे 2 या 3 नहीं तो जिले की कई विधानसभाओं पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इन 16 पंचायतों के और हमारे सब जनप्रतिनिधि पूरी लोकसभा क्षेत्र में हमारे साथ जो काम कर रहे हैं वो सभी लोग इस बात से